नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। जोधपुर में मौसेरे भाई बहन की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में जोधपुर पुलिस ने बुधवार शाम मृतक रमेश की पत्नी गुड्डी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार हत्याकांड की पूरी साजिश गुड्डी और उसके बॉयफ्रेंड शंकर पटेल ने रची थी। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि गुड्डी की आटा साटा प्रथा के तहत शादी हुई थी, लेकिन उसकी अपने पति रमेश के साथ कभी नहीं बनी। आरोपी गुड्डी को पति और ननंद कविता का साथ भी पसंद नहीं था। दोनों के साथ ही उसकी अक्सर लड़ाई होती रहती थी। वो पहले भी उन पर हमला करवा चुकी थी। दरअसल 18 जुलाई को रमेश और उसकी मौसी की बेटी कविता की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। घर वालों को पहले से ही रमेश की पत्नी गुड्डी पर शक था। एक साल से गुड्डी के अफेयर के बारे में घर वालों और गाँव के लोगों को पता था। गुड्डी की रमेश से आटा साटा प्रथा में 2018 में शादी हुई थी। गुड्डी की अपने पति मृतक रमेश से नहीं बनती थी। रमेश इस बात को अच्छी तरह से जानता था और उसने उसे कई बार छोड़कर जाने को भी कहा था, लेकिन रमेश की भांजी की शादी गुड्डी के भाई से हुई थी। उसका गौना बाकी था। गुड्डी को ये डर था कि वे अगर रमेश को छोड़ती है तो उसके भाई का घर नहीं बसेगा। हालांकि इस रिश्ते के बाद दोनों परिवार परेशान थे। आखिर उसने शंकर के साथ मर्डर का प्लान बनाया। पुलिस इस मामले में अब तक राकेश सुधार, रमेश माली और सोहन पटेल को गिरफ्तार कर चुकी है। गुड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी शंकर पटेल अब भी फरार है। दरअसल कविता पटवारी में सिलेक्शन के बाद 13 जुलाई को ज्वाइनिंग के लिए जोधपुर आई थी। तब भी शंकर ने दोनों का पीछा किया था। छोटा भाई अशोक पहले भी भाभी पर शक जाहिर कर चुका था। उसने बताया था कि ये मर्डर प्री प्लान्ड है और इसमें घर वाले शामिल हैं। अशोक ने बताया कि शंकर को मर्डर से पहले 17 जुलाई रविवार को लूणी में देखा था। तब अशोक ने शाम को खाना खाते वक्त भाई को ये बात बताई थी। उस वक्त भाई ने गुड्डी को इशारों में बोला भी था कि जिसे घर छोड़कर जाना है चला जाए। इसके अगले दिन ही रमेश की हत्या कर दी गई। इस साल पहले भी शंकर पटेल ने रमेश पर हमला किया था। उस वक्त चोर समझकर उसे छोड़ दिया गया था। पुलिस में भी शिकायत नहीं दी थी। रमेश को लगा लूट की नीयत से किसी ने उस पर हमला किया होगा, लेकिन इस हमले के कुछ दिन बाद ही गुड्डी और शंकर के अफेयर की बात सामने आई। इस बात का दोनों परिवार व पूरे गांव में पता था। परिवार के लोगों ने बताया कि तभी से शंकर हत्या के लिए गांव में घूम रहा था। पुलिस ने भी इस मामले में मंगलवार को खुलासा किया था। आरोपी पहले भी 3 से 4 बार रेकी कर मारने का प्लान बना चुके थे। भाई अशोक ने बताया कि वे खुद मौसी की बेटी कविता और रमेश तीनों साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करते थे। कविता 2009 से पढ़ाई के लिए वहीं रह रही थी। मृतक रमेश के छोटे भाई अशोक ने बताया कि तीनों का टारगेट एक ही था कि सरकारी नौकरी लगे। तीनों एमए भी साथ में कर रहे थे। उसने बताया कि इसी बात को लेकर गुड्डी कविता को भी पसंद नहीं करती थी। सोमवार 18 जुलाई को अचानक से बाइक पर जाने का प्लान बना तो मैंने उनसे कहा था कि सालावास पर मुझे बाइक दे देना और आगे सिटी बस से जाना। घर से निकले और 15 मिनट बाद ही हत्या हो गई। जिस स्थान पर हत्या हुई वे घर से 2 किलोमीटर दूर था। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।